सो हेलो एडिटर्स, कैसे हो आप सब। तो भाई मैं आ चुका हूँ एक नई वाली फोटो एडिटिंग लेके, मतलब कि ट्यूटोरियल वीडियो लेके। और आज की फोटो एडिटिंग में कुछ इस तरह से किंग वाली फोटो एडिटिंग करेंगे, द जंगल किंग वाली फोटो एडिटिंग करेंगे। तो आप यहाँ कॉन्सेप्ट को देख ही सकते हो, कुछ इस तरह से हमारे जो कॉन्सेप्ट है बना हुआ है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो गाइस इस तरह की फोटो एडिटिंग करने में अपने लिए, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप इजीली सीख सको। और मैंने बैकग्राउंड एंड पीएनजी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस आपको एक और बात बतानी थी, मैंने स्टोरी डाला था इंस्टाग्राम पे कि मैं अभी फेम वर्क को स्टॉप कर चुका हूँ, मतलब कि एंड कर चुका हूँ। कभी कोई फिलहाल फेम वर्क नहीं चल रही है, तो पहले जैसे मैं अपनी फोटो को यूज करके एडिटिंग करूंगा, तो प्लीज अभी इंस्टाग्राम पे मैसेज ना करें कि भाई मेरी फोटो एडिट कर दो, मेरी फेम वर्क कर दो। तो देखो गाइस अभी फिलहाल तो नहीं कर रहा हूँ, अगर आगे करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, मैं वहाँ स्टोरीज डालते रहता हूँ। और हाँ गाइस, ऐसे फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हो फ्री में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के हमारे आज की इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको पिक्सलर ऐप को ओपन करके सिंपली ये वाली बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐड कर रखा है। और बैकग्राउंड हमारी काफी क्रिएटिव लग रही है, आप यहाँ देख ही सकते हो। और इस एडिटिंग में सबसे पहले आपको बैकग्राउंड को इरेज कर लेना है ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। आप मेरी ये वाली वीडियो को देख सकते हो, इस वाली वीडियो के अंदर आप इजीली सीख सकते हो कि भाई कैसे आप फुल एचडी में बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। तो मेरी ये वाली वीडियो को देख लेना। तो इसमें बैकग्राउंड ऐड करने के बाद सबसे पहले आपको ड्रॉ वाली ऑप्शन को ओपन करना होगा। और यहाँ आने के बाद सिंपली आपको यहाँ ऐड ऑब्जेक्ट को प्रेस करके फोटो को प्रेस करना है, और ये वाली पीएनजी को ऐड करेंगे जो किंग चेयर पीएनजी है कुछ इस तरह से। एंड इसे मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा, थोड़ा सा नहीं फुल साइज करेंगे, इस तरह से यहाँ पे सेट करेंगे जैसे कि यहाँ पर मैंने सेट करा है। वेल इस तरह से सेट करने के बाद आपको सिंपली लेयर्स वाले आइकन को प्रेस करके सिंपली प्लस वाले आइकन को प्रेस करना है, और यहाँ एम्बेडेड लेयर को प्रेस करके एक न्यू लेयर क्रिएट करना होगा। और आपको सिंपली ऐड ऑब्जेक्ट को अगेन प्रेस करके सिंपली ऐड फोटो को प्रेस करना है, एंड ये वाली पीएनजी मतलब कि अपना मॉडल पीएनजी को ऐड करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई पहले बैकग्राउंड को इरेज कर लेना, देन आप एडिट करना। तो जैसे कि यहाँ बस मैंने ऐड करा अपने मॉडल पीएनजी को, आप भी ऐड कर लेना एंड इस तरह से सेट करना। और उसके बाद अगेन प्लस आइकन को प्रेस करके एम्बेडेड लेयर को प्रेस करेंगे जिससे न्यू लेयर क्रिएट होगी, और ऐड ऑब्जेक्ट को अगेन प्रेस करके फोटो को प्रेस करेंगे। और ये जो लाइन वाली पीएनजी है इस तरह से आपको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद आपको यहाँ सेट करना है राइट साइड पे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर सेट करा वैसे आपको सेट कर लेना है, और सेट करने के बाद अगेन लेयर्स पे आके एक न्यू लेयर अगेन क्रिएट करना होगा, और ऐड ऑब्जेक्ट को अगेन प्रेस करके फोटो को प्रेस करेंगे। और ये वाली पीएनजी यानी कि फायर टॉर्च वाली पीएनजी को ऐड करके यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड पे इस तरह से सेट करूँगा ताकि जो हमारी फ़ोटो है और थोड़ी सी क्रिएटिव लगे, जैसे कि आप यहाँ देख ही सकते हो। और एक न्यू लेयर बना के आपको सिंपली यहाँ पे ये वाली पीएनजी को ऐड कर लेना है जो कि फायर वाली पीएनजी है, मतलब कि फायर स्पार्क वाली। और इसमें आपको स्क्रीन मोड अप्लाई करना होगा ताकि ब्लैक बैकग्राउंड हमारी हट जाए, और इस तरह से आप यहाँ पर आसानी से सेट कर सको, मतलब कि यहाँ पे अच्छे से यहाँ एडजस्ट कर सको। तो हमारी जो फ़ोटो है अब भाई और भी ज़्यादा क्रिएटिव लग रही है और रियलिस्टिक टाइप से लग रही है, आप यहाँ देख ही सकते हो। और उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली एक और न्यू लेयर क्रिएट करना है, बट आपको इस लेयर को नीचे पे करना है, जस्ट आपको मॉडल के नीचे पे करना है जैसे कि यहाँ पर मैंने करा। और उसके बाद आपको ब्लैक कलर सेलेक्ट लेना है, तो पहले से ब्लैक कलर सेलेक्ट है। और उसके बाद ब्रश की सेटिंग को चेंज करेंगे, ब्रश को प्रेस करके और इस तरह से सेटिंग करेंगे। और सेटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको जूम करना है, और जूम करने के बाद आपको इस तरह से ड्रॉ करना है, मतलब इस तरह से ड्रॉ या पेंट करने से फ़ायदा ये हो रहा है कि यहाँ पर शैडोज क्रिएट हो रही है, मतलब फ़ोटो आपकी रियलिस्टिक दिखेगी अगर आप शैडोज क्रिएट करोगे तो। अगर नहीं करोगे तो भाई आपकी फ़ोटो थोड़ी सी अनरियलिस्टिक लगी, मतलब थोड़ी पता ही चल जाएगी फोटो एडिट है करके, मतलब आपकी फ़ोटो को थोड़ी सी रियलिस्टिक बनाना है तो भाई शैडोज ज़रूरी है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने शैडोज क्रिएट कर रहा हूँ, आप यहाँ देख ही सकते हो। तो आप मेरी तरह फॉलो कर सकते हो, मैं जहाँ पर शैडोज क्रिएट करा। और भाई सेटिंग मेन यहाँ पर मैटर करती है। और उसके बाद आपको एक न्यू लेयर अगेन क्रिएट कर लेना है, और अब क्या करना है, सिंपली कलर्स पे आके ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर लेना है, ये वाली कलर।
और उसके बाद आपको अपने मॉडल के लेफ्ट साइड पे इस तरह से ड्रॉ करना होगा और ड्रॉ मतलब पेंट करना होगा। और उसके बाद आपको इरेजर को प्रेस करना है एंड ओपेसिटी को फुल रहने देना है, साइज को कम कर देना है। और उसके बाद आपको सिंपली इस तरह से यहाँ पे बाहरी साइड पे इरेज करना है, मतलब मॉडल के बाहर साइड पे, जैसे कि यहाँ बस मैं कर रहा हूँ वैसे आपको करना होगा। तो यहाँ बस आप देख सकते हो मैं कम्प्लीटली इरेज कर चुका हूँ, आप यहाँ देख ही सकते हो। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो मोड है नॉर्मल है उसे आपको लाइट मोड कर देना है, ताकि जो कलर है वो थोड़ी सी चेंज हो जाए, डार्क लगे जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो और रियलिस्टिक लगे आपकी फ़ोटो। और उसके बाद आपको क्या करना है, डन कर देना है। डन करने के बाद आपको बाहर में टूल्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसमें जाके एडजस्ट को प्रेस करना है और ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। और उसके बाद इनवर्ट को प्रेस करेंगे, देन ब्रश की सेटिंग को चेंज करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने ब्रश की सेटिंग को चेंज करा। और उसके बाद आपको सिंपली जूम करना है, तो इसमें देखो फेस भी करना है आपको, लाइट ग्लो करना है, और इस तरह से आप पेंट भी कर सकते हो, अपने शूज पे भी कर सकते हो, एनीवेयर कहीं भी कर सकते हो। बट ये ध्यान रखना जहाँ मतलब थोड़ी आपकी फ़ोटो अच्छी लगनी, जहाँ लाइटिंग आ रही है वहीं आपको करना होगा, अदरवाइज आपकी फ़ोटो है भाई वो थोड़ी सी ख़राब लग सकती है। तो यहीं से आप अपने फेस पे थोड़ा सा लाइटिंग कर सकते हो, मतलब कि ग्लो कर सकते हो, और इस तरह से थोड़ा सा लाइट अप कर लेना, ताकि जो आपकी फ़ोटो है आप यहाँ देख सकते हो। और साथ ही भाई ये चेयर पे भी करो, जो किंग चेयर है वहाँ भी करो, लैन पे भी करो, और जो बाजू में भी हमने फायर टॉर्च ऐड करा है वहाँ पे भी करो, हेयर पे भी करो, एनीवेयर गाइस आपको सभी तरह करने, मतलब कि ऐसे थोड़ा सा दिमाग लाना है कि आपकी फ़ोटो भाई और थोड़ी सी डिटेल लगे और रियलिस्टिक लगे। देन उसके बाद आपको सिंपली ड्रॉ वाली ऑप्शन पे आके अपना फ़ोटो को यहाँ से कर लेना है सेव। और फ़ोटो को सेव करने के बाद आपको लाइट रूम ऐप को ओपन करना होगा, यहाँ से थोड़ा सा हम कलर करेक्शन लाइट करेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले लाइट वाले ऑप्शन पे आके यहाँ पे थोड़ा सा लाइट करेक्शन कर लेता हूँ, लाइक एक्सपोजर को माइनस करा, शैडोज को माइनस करा, और हाईलाइट को भी थोड़ा सा माइनस करा, देन वाइट को इंक्रीज करा एंड ब्लैक्स को भी थोड़ा सा इंक्रीज करा। और उसके बाद कलर वाले ऑप्शन पे आके सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और टाइम को माइनस करेंगे, देन टिंट को माइनस करेंगे, जिससे भाई हमारी बैकग्राउंड से मैच हो जाएगी हमारी फ़ोटो मतलब। और इस तरह से यहाँ पे साइड करेंगे, और जो टाइम है उसे भाई मिड पे ही रहने देंगे। इस वाली ऑप्शन पे आके क्लैरिटी को इंक्रीज करूँगा एंड आप यहाँ देख सकते हो हमारी फ़ोटो पे काफ़ी डिटेल देखने को मिल रही है। और उसके बाद लाइट वाले ऑप्शन पे अगेन आके यहाँ थोड़ा सा लाइट करेक्शन और अच्छे से कर लेता हूँ। और उसके बाद आपको सिंपली ये वाली ऑप्शन मतलब कलर वाली ऑप्शन पे आके मिक्स टैब पे आ जाना है और यहाँ से थोड़ा सा और अच्छा सा कलर करेक्शन कर लेना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप मेरी तरह फॉलो कर लेना, एंड जो आपकी फ़ोटो है देखना बहुत ही बेहतरीन लगेगी। आप लाइक यहाँ देख ही सकते हो बिफोर एंड आफ्टर में काफ़ी बेहतरीन इफेक्ट देखने को मिल रही है। और आप यहाँ सिंपली शेयर आइकन को प्रेस करके एक्सपोर्ट को प्रेस करना, जिससे हो जाएगी हमारी फ़ोटो सेव। सो आई होप यार आप लोगों को ये वाली एडिटिंग अच्छी लगी होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। एंड गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको इस तरह की वीडियो देखने को मिलेगी। तो गाइस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय, टेक केयर।